यहाँ पे पापा जी को चैन गिफ्ट मिल चुकी है। आप पापा इस खाली चैन है, चैन दिख रही भैया। आज पापा चला रहे हैं, हमको डर लग रहा है। हमेशा गाड़ी चलाते हैं, हमने बोला आज बाइक चला लो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? हम स्कूल जा रहे हैं। सभी को जय माता जी। आज बहुत अच्छा मौसम है। दोस्तों कैसे हो? आज खाना भी रेडी हो चुका है। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? स्कूल तो इसको स्कूल छोड़ते हैं आज सुबह सुबह। कल लेंटर का काम था तो सारा निपटा दिया है। बाकी बुड्ढा जी भी ताऊ जी भी घर जाने लगे हैं सुबह सुबह। चलो जी दगाओ। रुको रुको रुको। अभी दोस्तों दो तीन दिन पहले काना का एडमिशन हुआ है तो ड्रेस बनी नहीं है। ड्रेस बनने के लिए दे रखी है तो इसकी ड्रेस बन के आ जाएगी, उसके बाद ही अच्छा लगेगा। आज मैं तो प्रांजल जेली दाई दाई। अच्छा, इसका दोस्त का नाम है प्रांजल जो कि हमारे पड़ोस में रहता है। वो तैला से है और ये वार्ड से है। वो सामने जाना है काना को। वो बड़ा इंटर कॉलेज है जहाँ मैंने अभी जूम किया है, उसके जस्ट बगल में इसका स्कूल है। मेरे पास कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो दोस्तों, बच्चे हो तो ऐसे हो, बिल्कुल भी रोते नहीं है। इस वजह से माँ बाप भी खुश रहते हैं और बच्चे भी, क्योंकि नहीं तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। स्कूल भेजते टाइम उनको भी आफत आती है और बच्चे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, मतलब उनको भी गुस्सा आने लग जाता है जो कि बहुत बेकार होता है। आज तो मिल गया तो भाई को साफ करता। चलिए दोस्तों चलते हैं अब सीधे स्कूल के और काना के। ते मुंह पे मारू कपड़ा, गंदा हो रहा है ना? मारू? गंदी बात है, नहीं माना। नहीं माना? कहाँ रखना इसको? चलो यहीं रखते हैं। कहाँ बैठेगा? ये देखिए दोस्तों, यहाँ से एक और छोटी बुली भी जाएगी स्कूल। ये दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं काना के स्कूल में। दोस्त कौन है तेरा? भैया कहाँ है? मेरा भैया है, ये काना का बड़ा भैया। गाइस मैं स्कूल में पहुँच गया हूँ, बहुत मजा आ रहा है। काना बैग रखो। ये है दोस्तों काना की क्लास, चेंज होती रहती है। ये है दोस्तों और सीनियर क्लास। आ गया है। अब हम छाड़ आएंगे। बचपन में बहुत भारी भारी बैग उठाने पड़ते हैं दोस्तों। दोस्तों काना और प्रांजल हमेशा साथ में रहते हैं। प्रांजल मेरा पड़ोसी है जिनके यहाँ मैंने जैकी दिया था। ठीक है तब काना भाई है, आराम से रहना। वाह बाय बाय प्रांजल। हेलो, ये मुझे भतीजा बोलता है। हैं जी? यस बाय। वाह भतीजा। हाँ हेलो, ठीक ठाक भतीजा? हाँ बाइक 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 ऊपर है। हाँ चल बाय। वाह बाय 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 बाय। छोड़ने तो मैं आया था, लेने मामा आएंगे और मामा आज आखिरी बार लेने आएंगे, उसके बाद कल विदेश चले जाएंगे। बड़ा अजीब सा भी लग रहा है मुझे भी, काफ़ी मजे किए थे साथ में, अब सिर्फ 2 साल बाद ही आना होगा यार। चढ़ाई बहुत है यार ऊपर सड़क के लिए ना यहाँ से। गाइस वापस घर पहुँच चुका हूँ, स्पेशल नाश्ता भी रेडी हो चुका है, शिमला मिर्च की सब्जी और दही। और सुबह सुबह सब्जी के साथ दही मेरा फेवरेट है, जब भी मिलता है 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेता हूँ। 10 तो वैसे खाता हूँ, 12 हो जाती। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, 6-7 माइनस कर दो। वही जाने की जोर शोर से तैयारियाँ चल रही है मामा जी की। पहले ही दाढ़ी नहीं आती है फिर भी डेली सेविंग करते हैं, ये क्या बात है? मामा बोल रहे हैं जो भी होटल लाइन में रहते हैं वो दाढ़ी नहीं रख सकते। तो अभी हम सभी लोग रेडी हो चुके हैं, कल मामा जी का लेंटर भी पड़ चुका है। कल मामा और पापा जाने वाले हैं प्रदेश। मामा जाएंगे दुबई और पापा जाएंगे दिल्ली पिलखोवा में। पिलखोवा सॉरी यूपी में पड़ता है, पिछली बार मैंने दिल्ली बोल दिया था।
तो कैसा लग रहा है आपको कल जा रहे हो दोनों को? बहुत अच्छा लग रहा है यार। मामा तो बोले अच्छा लग रहा है, घर में बहुत परेशान हो गया मैं क्योंकि काम करना पड़ा ना वहाँ ऊपर। मामा सोच रहे हैं कि मैंने वहाँ भी काम किया यहाँ भी, तो इंजॉय भी बहुत किया आपने वीडियो में देख लिया होगा, बाकी पापा ने भी काफी मजे किए वहाँ शादियों में। चले फिर चलो अभी हम चलते हैं सीधे पहला। ठीक ची नानी तब बाय, नानी मामी बाय बाय, बाय बाय काव्या। मामा इसीलिए बोल रहे थे मुझे मजा नहीं आया क्योंकि ये देखो भाई ये सारा काम ऊपर का मामा ने किया है, उसको दबा के पीछे आएगी। क्या कर रही है मुझे? टाइट दबाओ ना उसको जितना दबाओगे। हाँ हाँ आ रहा हूँ। अब पापा कर रहे हैं ट्राई, ठीक है लेट्स ट्राई। देख ये हेलमेट पापा को ये बैग अगला दौर है छाती पर। आज पापा चला रहे हैं हमको डर लग आराम से हमेशा गाड़ी चलाते हैं, हमने बोला आज बाइक चला लो। आराम से रुकना है। ये दोस्तों अभी बढ़िया से पहुंच चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ। पापा बाइक राइडर हैं। पापा और मामा जाएंगे इस रास्ते नीचे क्योंकि उस साइड बाइक ले जाने के लिए नहीं था, तो मैं उधर से बाइक लेके आऊंगा। ठीक है तब जाओ हैं। दोस्तों मुझे पैरों से धक्का लगाना ही नहीं आता, प्लेन्स के ड्राइवर पता नहीं कैसे लगा लेते हैं। मैं जैसे ट्राई कर रहा हूँ ऐसे ही मेरा पैर एकदम दर्द कर रहा है। तो भाई ऐसा कब तक चलेगा? चीज बढ़िया है दोस्तों, न्यूट्रल रह जाता है तो इस वजह से बाइक ले जाते समय कोई दिक्कत नहीं होती है। और मैकेनिक मिलता ही नहीं है, धुआं छूट रही है भाई इसकी गाड़ी भयंकर। अपने गांव में पहुंच चुका हूं, बाकी बाइक पे देखो पिछली बार सैतूत के पेड़ के नीचे खड़ी थी, पूरे सैतूत इसमें गिर गए जिस कारण बाइक ऐसी दिखाई दे रही है। आज हमारे गांव से भी घोड़े खच्चर वाले ज्यादातर केदारनाथ चले गए हैं, अब वो अगस्त में ही घर आएंगे सीधे क्योंकि अगस्त में बहुत ज्यादा बारिश होती है जिस कारण इंसान के साथ साथ खच्चरों का भी खतरा बना रहता है, कई बार उनकी डेथ हो जाती है वहाँ। हेलो जैकी, अभी मेहमानों को पिलाते हैं स्पेशल लीची जूस। ये देखिए कल मामा जा रहे हैं, आज मम्मी बहुत वो कर रही हैं, ये भी खाते ही भी खा ये भी खा, मामा मना कर रहे हैं। वो हो रही है खातिरदारी, घर में भी हो रही थी भी हो रही है, कल तक कोई मेरे को पूछ ही नहीं रहा था। ये बाबा सब लोग अपने, ये देखिए दोस्तों मामा की टिकट भी कंफर्म हो चुकी है, रोटी भी तो देखो लोन में दे रही है मम्मी, नमक दही अभी अभी खेत से आए ना। दोस्तों मामा की टिकट भी कंफर्म हो चुकी है, 1 तारीख को निकल जाएंगे। अरे रामो तब गांव की याद आएगी बहुत ज्यादा। मामा याद कहाँ से आनी है, क्यों बहुत परेशान हुआ यार इन छुट्टियों में। अरे पूरा बिजी था काम पर। काम भी किया मामा ने लेकिन आपने शादी में देखो, शादी में मजे तो थे खूब। मजे भी लिए थोड़ा बहुत पर काम पे बहुत हालत खराब हो गई। पर यह है कि 2 कमरे ऊपर बन गए, मामा 2 महीने के लिए घर आए थे, 1 महीने तो खूब इंजॉय किया और 1 महीना काम पे ही। तो मामा की भी विदेश जाने की तैयारी हो चुकी है, इसके बाद 2 साल बाद ही घर आएंगे। आज लास्ट दिन है पहाड़ में मामा का, कल सुबह निकल जाएंगे सीधे दिल्ली के लिए और परसों फ्लाइट में बैठ के सीधे दुबई। आराम से जाना, फोन भी करना जाके। मॉर्निंग 8 o'clock की मेरी फ्लाइट है। अरे राम, अब मामा पुरानी वीडियोज देखेंगे, यादें ताजा हो जाएंगी। मम्मी देखो इस बार डिश चेंज करके ले आई है। मामा ने बोला ना मैं इसमें नहीं खाता, लो अब तो खाओ मसाला है खाओ, तब कुछ गिफ्ट लाना मेरे लिए, परफ्यूम लाना ले। सवेरे बेटे 3 दिन खेले, सुबह से 3 बार खिला दिया मामा को, पापा को कोई नहीं पूछ रहा, पापा भी कल ही जा रहे हैं, जा तब खाओ। हेलो चू कैसे हो? पापा पे भी खा ली, हड्डियाँ ही बची हैं तब बोले मैं फिट हूँ। बल हड्डी है तो सही है, पेट कभी भी भारी नहीं होना चाहिए। अच्छा बिल्कुल, मैं कहीं भी जाता हूँ पैदल आता हूँ जाता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब क्या बोल, अपनी फिटनेस प्रॉपर रहनी चाहिए। मम्मी दे रही है पहाड़ी घी मामा को क्योंकि मामा के दोस्त को घी बहुत पसंद है। लो जी, मेरे दोस्त ने मंगाया है दुबई से, अजरुद्दीन उसने मंगाया उसके लिए स्पेशल घी। ठीक है तब। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे पापा जी को चैन गिफ्ट मिल चुकी है, अब पापा इसकी EMI भरेंगे धीरे धीरे मामा के पास। EMI क्यों भरेंगे भाई, साले ने मुझे अपने गिफ्ट किए। अब मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ इसीलिए ड्यूटी पे अलाउड नहीं है, वहाँ कोई भी मेरे को पकड़ सकता है, इसीलिए मैं ये चैन लगा। ठीक है, ये सेफ्टी के लिए दे रखी है समझो, सेफ्टी के लिए नहीं, और वो ये दे दी मैंने वो। वाह जी, अब मेरे को आप भांजा कुछ नहीं,
तेरे लिए क्या नहीं लाया मैं, कितना सारा सामान लाया। ये बाबा परफ्यूम लाए, फोन के तो मैंने पैसे दिए थे मामा को, फोन के पैसे दिए थे क्योंकि सस्ता फोन नहीं था, अगर 10-12 हज़ार का होता तो मैं ये बहुत महंगा फोन था। एक लाख का फोन 95 हज़ार का फोन दे दिया, यहाँ कितने की? यहाँ तो महंगी होगी वो, क्योंकि जो दुबई में सोना मिलता है वो एकदम प्योर मिलता है। चलिए दोस्तों अभी मामा जी का घर जाने का समय भी हो गया है, मामा पहले काना को ले जाएंगे स्कूल से सीधे घर, काना भी इंतजार कर रहा होगा वहाँ। अपनी पैकिंग भी करनी है, अपने कपड़े कुपड़े भी रखने हैं। देखो भाई बॉयज लोग ऐसे ही होते हैं, कल सुबह निकलना है आज पैकिंग होगी वो भी आराम से, ठीक है मामा? ठीक है तो आराम से जाना है, अब यादें आएंगी, बहुत मजे किए थे हमने बहुत शादियों में, अब 2 साल बाद फिर से अब देखते हैं, 2-3 साल बाद फिर आएंगे, फिर देखेंगे, फिर घूमेंगे। चलो ठीक है तब, ठीक है। देखो मैं मामा को कैब दे रहा हूँ, ये हैंड ये दे रहा हूँ, ये वॉच दे रहा हूँ, तो कल मैं घर ही छोड़ूंगा ना। ठीक है तो ये तो आज पहने हुए मैंने, फिर एक दो कपड़े और छोड़ के जाना होगा, पैंट पूंट कपड़े तो एक जोड़ी कपड़े लेके जाऊंगा, मेरे पूरे कपड़े वही हैं। ठीक है तब बाय। ठीक है पापा जी लग गए अपनी ड्यूटी पे, सही है जो काम मैंने करना था आजकल सब पापा कर रहे हैं। ठीक है ठीक है बाय बाय मामा है आराम से। 3 साल बाद? अरे 3 नहीं 2 साल बाद, 3 अभी 1 साल पुराना बचा हुआ, 1 साल अभी पुराना भेजा का है, फिर 1 नया भेजा मारूंगा 3 साल बाद। 3 साल उसी के बाद आराम से आना रे मामा, तब तक काना भी बड़ा हो जाएगा। दोस्तों देखो ना नौकरी के खातिर कैसे जाना पड़ता है यहाँ से, अरे वो भी है, मम्मी भी इमोशनल हो गई यहाँ पे। ठीक है तब जाओ तब मामा, ठीक है तब, ठीक है बाय। यही होता है दोस्तों हम पहाड़ियों को, या तो आर्मी का शौक रहता है नहीं तो फिर होटल लाइन ही है, और 3-3, 4-4 साल में आते हैं जो लोग विदेश में काम करते हैं। ठीक है मामा बाय। मामा मेरी वीडियोस देखते रहेंगे तो यादें ताज़ा होती रहेंगी। आज काफ़ी समय बाद जैसे हमारे घर पर आया भाई, काफ़ी खुश भी है। मम्मी इसको बांध रही है ताकि कहीं ना जाए, एक तो बचना चाहिए यार। भाभी जी भी आ रखे हैं हमारे यहाँ पे, जो ये बुकरा रहता है ना ये खच्चर के काम आता है, तो इनके पास खच्चर भी हैं जो कि अब केदारनाथ जाने वाले हैं। चले गए खच्चर केदारनाथ, चले गए तो ये बाद में काम आएगा, जैसे बीच में इमरजेंसी पड़ेगी। हमारे तो किसी काम आते ही नहीं है, तो इनको इनके घर पे छोड़ के आते हैं, और इनकी चक्की भी है तो वहाँ से आटा लेके आते हैं। चलो अभी दोस्तों रात का समय हो चुका है, हम लोग यहीं पे हैं, पता नहीं कब तक रहेंगे। कुछ नहीं होगा भाई तुझे, भाई की हालत खराब हो गई। दोस्तों रात के 2 बज रहे हैं, अब जाके हम घर पहुंच रहे हैं। पूरी डिटेल में बात तो आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन बहुत सिचुएशन ही कुछ ऐसी है दोस्तों, फिर कभी समय लगेगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है भोला भाई तब बाय है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी नई वीडियो डालूं आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बाय बाय।